नमस्कार, आज की वीडियो में हम एक ऐसी विचित्र जगह के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आम तौरों पर मंदिरों में भगवान को लड्डू पेड़े मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद हम लोगों में बांटा जाता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान को चाइनीज फूड का भोग लगता है। इसके बाद प्रसाद में भी लोगों को नूडल्स और चॉपसी बांटे जाते हैं। माँ काली के इस मंदिर में ऐसा अनूठा प्रसाद चढ़ाने जाने के पीछे एक खास वजह है। यह कलकत्ता के प्रसिद्ध टंगारा क्षेत्र में स्थित है, जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में तिब्बती और पूर्वी एशिया के संस्कृति का मिश्रण देखा जा सकता है, जो इसे एक अच्छा पर्यटक आकर्षण बनाता है। इस मंदिर में देवी काली को चीन व्यंजन जैसे नूडल्स, चॉप सूप, चिपचिपा चावल और कई अन्य व्यंजन भी चढ़ाए जाते हैं। मंदिर और मूर्ति भारत के किसी भी अन्य देवी काली मंदिर के समान ही दिखती है। जो चीज इसे अनोखा बनाती है वह है इसका प्रसाद। दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर में देवी माँ को भोग में चाइनीज डिश ही नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि यहाँ जलाई जाने वाली अगरबत्तियाँ भी चीनी होती है। इसके साथ ऊंची मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती है। इस तरह मंदिर के प्रसाद के अलावा यहाँ फैली खुशबू भी बाकी मंदिरों से अलग होती है। हालांकि इस मंदिर में पूजा पाठ का काम एक बंगाली पुजारी करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए यहाँ खास मौकों पर हाथ से बने कागज जलाए जाते हैं। टंगारा का ये चीनी काली मंदिर लगभग 20 साल पहले चीनी और बंगालियों दोनों लोगों के दान से बनाया गया था। मंदिर बनने से पहले इस जगह पर पिछले 60 सालों से एक पेड़ के नीचे देवी माँ की पूजा केवल हिंदू द्वारा करी जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल पहले एक चीनी लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गया था। 10 साल के इस लड़के पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे उसी पेड़ के नीचे लिटा दिया और देवी माँ से प्रार्थना की। चमत्कारी रूप से लड़का ठीक हो गया और इसके बाद हिंदू समुदाय के साथ साथ चीनी समुदाय के लिए भी ये मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। जब चीनी लोगों ने मंदिर में आना शुरू किया तो देवी माँ को अपनी संस्कृति के अनुसार भोग लगाना शुरू किया। इसके बाद से ही यहाँ माँ को भोग में नूडल्स, चॉपसी आदि चढ़ने लगे। चीनी लोग इस मंदिर में आते समय बाकी भक्तों की तरह अपने जूते बाहर उतारते हैं और फिर अंदर आकर देवी माँ को प्रणाम भी करते हैं। हालांकि उनके प्रणाम करने का अंदाज चीनी जैसा होता है, लेकिन वे देवी की प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी विचित्र जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।